हेलो स्टूडेंट, सर्वोदय नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज टुडे ऑफ क्लास सेवेंथ मैथ। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी आर कवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 इन दिस एक्सरसाइज टुडे। इन दिस वीडियो वी कवर क्वेश्चन नंबर 11 एंड फॉरवर्ड। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? व्हाई व्हाट नंबर शुड 1 सी 1 बाय 2 बी डिवाइडेड टू गेट 2 बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, हमको बोल रहा है कि किस नंबर से हम डिवाइड करें, वन से ही वन बाय टू को, है ना, बी डिवाइडेड टू गेट टू बाय थ्री। ओके, देखिएगा सोल्यूशन क्या होगा इसका। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11, वन से ही वन बाय टू को किससे डिवाइड दें तो जो मेरा रिजल्ट है वो क्या देगा, टू बाय थ्री। ओके, तो यहां देखिएगा स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे हम, अगर सपोज ये डिवाइड दे रहा है, कौन सा नंबर डिवाइड दे रहा है, मतलब कि सपोज हम मान लेते हैं एक्स डिवाइड दे रहा है, क्या कर लेते हैं एक्स। ओके स्टूडेंट, यहां पे मेरा क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा टू बाय टू थ्री बाई टू। ठीक है, थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री। अगर आप जानते हैं स्टूडेंट, अगर ये डिवाइड में ही सर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो यहां देखिएगा, या फिर मैं ये कर दूं, अगर ये थ्री बाई टू है मल्टीप्लाई क्या करेगा, वन बाई एक्स इक्वल टू कितना होगा, टू बाय थ्री। ठीक है, टू बाय थ्री। अब यहां क्या होगा वो देखिएगा, एक्स जो है इस तरफ जाएगा, तो एक्स इस तरफ आ गया। ठीक है, तो यहां पे कितना होगा, टू बाय थ्री, टू टू एक्स बाय थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, थ्री बाई टू। फिर अगर देखा जाए एक्स बराबर कितना हो जाएगा जी, थ्री इंटू थ्री और टू इंटू टू, मतलब कितना हो गया एक्स इक्वल टू नाइन बाई फोर। नाइन बाई क्या, फोर आ रहा है क्या, यस नाइन बाई फोर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, बी टू सही वन बाई फोर, टू सही वन बाई फोर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वन से ही थ्री बाय फाइव, वन से ही थ्री बाय फाइव को डिवाइड किया गया किससे जी, 2 बाई थ्री से, 2 बाई थ्री से। ठीक है, इसका जो आएगा वो क्या आएगा वो देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, 5 बन जाए 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बाई फाइव डिवाइडेड बाई 2 बाई थ्री, यहां कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 8 बाई फाइव, ये मल्टीप्लाई में चलेगा डिवाइड, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में जैसे भी ये थ्री ऊपर आ जाएगा टू नीचे, टू फोर जाए एट और फिट रहे क्या नहीं, फोर से जाए ट्वेल्व बाई कितना हो जाएगा फाइव, ट्वेल्व बाई फाइव। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ट्वेल्व बाई फाइव, यस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी टू टू सही फाइव, तो सही फाइव, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास, टू सही वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन सही वन बाई फाइव, टू सही वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई वन सही वन बाई फाइव। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। 5 टू 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 11 बाई 5 डिवाइड करेगा 5 बन जाए 5 प्लस 1 6, 6 बाई 5। यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 11 बाई 5 डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 5 बाई 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बाई 6, 5 जो है ऊपर जाएगा 6 नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे कितना बचेगा मेरे पास 11 बाई 6। और इस 11 बाई 6 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको,
यहाँ लिख देता हूँ मैं 11/6, इस 11/6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 = 6 और देखिए 1 सही 5/6 ये ऑप्शन नंबर मेरे पास कितना है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है 2/3, ए में क्या है 2/3 जो है वो स्मॉलर देन है 3/5 से, और 3/5 जो स्मॉलर देन है किससे, 14/15 से। ओके बी में ऑप्शन 3/5 स्मॉलर देन है किससे जी, 2/3 से। ओके और 14/15 ठीक है, सी के अपने पास 14/15 क्या हो जाएगा, मेरे पास 3/5 और 2/3, इसमें हमको बताना है कौन है सही। तो देखते हैं, अगर मैं बात करूं कि सभी ये जितना भी दिया है स्टूडेंट, इसको हम क्या कर रहे हैं 2/3 सभी का डिनोमिनेटर एक समान कर दें तो क्या होगा, हो जाएगा कि नहीं। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कितना 15 है, तो 2/3 को मैंने क्या किया जी, 2/3 को मैंने यहां पे देखिएगा 2 × 5 कर दूंगा और 3 × 5 कर दूंगा, कितना गया जी 10/15। ठीक है, 10/15 क्या गया 15। इसी प्रकार अगर मेरे पास 3/5 ठीक है 3/5 तो 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दूं जी 3 और 5 × 3 मतलब कितना होगा 9/15। फिर देखता हूं मेरे पास कितना है जी 14/15, तो यही रहेगा। अब ये बताइए, अब फिर क्या है, छोटा क्या है 10, 9, 14/15 तो 10 है छोटा, यहाँ पर 10 है 10/15 है 9/15 है 14/15 है, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ा मेरा जो होगा वो कौन होगा 14/15 होगा क्या 14/15, मतलब कि मेरे पास सामान भी ज्यादा है, 14 सामान है सपोज और 15 व्यक्ति को देना है तो सबको ज्यादा ज्यादा मिलेगा, आपके पास सामान कम है फिर 15 व्यक्ति को देना है तो इससे इसके बाद कौन आएगा ये, इसके बाद कौन आएगा ये, तो सबसे बड़ा मेरे पास क्या आया, तो सबसे बड़ा मेरे पास है 14/15 ठीक है जी 14/15 सबसे बड़ा, उसके बाद 3/5 बड़ा है जी, और उसके बाद कौन बड़ा है सॉरी 3/5 में इसके बाद मेरे पास क्या है जी ये 2/3 क्या 2/3। तो हम यहां देख रहे हैं कि सबसे पहले मेरा आएगा पहला नंबर में ये, सेकेंड में ये और थर्ड में ये, तो ये मेरा ऑप्शन जो है बी की तरफ जाएगा जो कि मेरा होगा क्या, सबसे पहला 3/5 जो है स्मॉलर होगा 2/3 से, 2/3 जो होगा स्मॉलर होगा 14/15 से। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है देख लीजिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे इसमें डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो उसके बाद आप आराम से देख सकते हैं कि सब उसका सबसे ज्यादा ऊपर में किसका है, ठीक है नॉमिनेटर जो है सबसे बड़ा किसका है तो 14 का, तो 14 सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके बाद बड़ा किसका है जी 10/15 का, तो मतलब क्या 2/3 बड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसका है तो मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है
कि ए अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर 2/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। मतलब कि 16 किलोमीटर चलता है जी 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में ये, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में ये चला 16 किलोमीटर, तो ये मेरा चलेगा 2/3 लीटर में कितना चलेगा, यहां देखेंगे 16 × 2/3 कितना हो जाएगा 16, 4 × 8 + 3 कितना होगा 11/4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां देख रहे हैं कि 4 × 4 कितना होगा 16 और 11/4 = 44 किलोमीटर ये चलेगा, कितना चलेगा 44 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, तो बोला जा रहा है कि ललित रीड्स अ बुक फॉर 1/3 by 4 hours एवरी डे। आप लोग पढ़ते हैं इतने आवर, मे बी इससे ज्यादा पढ़ते होंगे, तो आते हैं एंड रीड द इंटायर बुक इन 6 डे। तो एक दिन में 1/3 by 4 hours पढ़ता है और पूरे बुक को वो 6 दिनों में खत्म कर देता है, तो हाउ मेनी आवर्स डज ही टेक रीड द इंटायर बुक, तो उसको कितना समय लगेगा उस पूरे बुक को पढ़ने में। तो यहां देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा, उसने 1 डे में कितना पढ़ा, 1 डे में कितना आवर पढ़ा जिसने, उसने 1 डे में पढ़ा मेरा 1/3 by 4 आवर। इसको अगर हम चेंज कर दे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 7/4 आवर, कितना 7/4, 4 × 4 + 3 7/4 आवर, मेरा कितना दिन जी 6 डेज में, 6 डेज पूछा है तो 6 डे में कितना चलेगा, तो एक दिन में इतना, तो 6 डेज में कितना हो जाएगा 10/4 × 6। ओके, अगर आप इसको क्या कर दें 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 मतलब 21/2 कितना हो जाएगा 2, 21/2 इसको हम लिख सकते हैं 10/1/2, 10/1/2, ठीक है, तो उसने पूरा बुक जो है 10/1/2 आवर में खत्म किया जाए, क्या होगा आंसर, आंसर नंबर कितना पहला। तो हमने क्या किया एक्सरसाइज 2D का जितने भी क्वेश्चन थे 1 to 17 उसको मैंने खत्म कर दिया, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको मैंने खत्म कर दिया, तो दोनों चैप्टर 1 चैप्टर 2 का दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, जो कि अपना रिविजन क्लास का था, जितने भी मैंने कराया है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी को आप नोट्स करेंगे और सभी को प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज मे बी आफ्टर सम डे आपको क्या होगा टेस्ट होगा, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन अगर आपको डॉट लगता है तो आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में, अपना कमेंट करेंगे सर ये क्वेश्चन जो है हमें नहीं आया समझ में, तो इसको मैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।